आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हो रहा है। मामले की जांच के दौरान पता चला है कि एक टारगेट किलिंग थी, यानी अंकित की हत्या जानबूझकर स्पेशल निशाना बनाकर की गई थी। आईबी सूत्र बता रहे हैं कि यह सिर्फ दंगों में हुई मौत का मामला नहीं है, पुलिस और आईबी मिलकर इसकी जांच कर रही है और इस पूरे घटनाक्रम की कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है। अंकित 25 फरवरी को शाम 5 बजे करीब ऑफिस से लौटे थे और अपने दोस्तों के साथ बाहर थे। उनके साथ उनका दोस्त कालू भी था और कुछ और दूसरे लोग भी, जो सभी पुलिया के एक तरफ खड़े थे। तभी दूसरी तरफ से पथराव हुआ और अंकित सामने ही खड़ा था। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि अंकित को पत्थर लगी और वो नीचे गिर गए। इसके बाद दूसरी तरफ से 3-4 लोग आए और उन सब ने अंकित को काबू में कर लिया। इसके बाद अंकित को एक घर के अंदर ले गए। सूत्र बताते हैं कि हैरान की बात है कि उन्होंने अंकित के अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति को टच तक नहीं किया। इसके बाद अंकित को ले जाया गया और उसके बाद अंकित को किसी ने नहीं देखा, जहां उसके कपड़े उतार दिए गए और नृशंसता से उसकी हत्या कर दी और शव को नाले में फेंक दिया। शव पर सिर्फ अंडरगार्मेंट्स थे। अगले दिन सुबह शव नाले से मिला। घटनाक्रम प्रथम दृष्टा मिली जानकारी, कुछ बयानों और डॉक्टरों की शुरुआती राय को देखते हुए आईबी के अधिकारी ये मानते हैं कि अंकित की हत्या किसी मकसद से की गई है और ये भीड़ के द्वारा हत्या नहीं है। आईबी के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि घटनाक्रम संकेत देता है कि हत्यारे कुछ संदेश देना चाहते थे। हम जो देख रहे हैं वह उससे कहीं बड़ा है। अंकित के शव पर चोट की संख्या स्पष्ट नहीं है। वहीं पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर बताते हैं कि शरीर पर कम से कम चाकू के 54 घाव हैं, जो काफी गहरे हैं। जांचकर्ता इस मामले की अब जांच टारगेट किलिंग को मद्देनजर रखकर कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहते हैं कि सच्चाई ये है कि अंकित का अपहरण हुआ था और उन्हें दूर ले जाया गया, उन्हें घटना स्थल पर नहीं मारा गया, जिससे संदेह और पैदा होता है। जब घटनाक्रम सामने आया तभी इस बात को बल मिलता है और शव जिस हालत में मिला उससे भी लगता है कि अंकित ने काफी प्रतिरोध किया। और इन तमाम चीजों से ये भी लगता है कि भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को इस तरह से नहीं मारा जाता जिस तरह से अंकित को मारा गया है। पुलिस के सीनियर अधिकारी बताते हैं कि वो अंकित को खींचकर ले जाने वाले शख्स की पहचान में जुटे हैं। इलाके के टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर सबूतों का इंतजार किया जा रहा है। हम बांग्लादेशी अपराधियों के ग्रुप को ट्रेस कर रहे हैं जिनका लोकेशन उस वक्त यहां पाया गया था, यानी अंकित की हत्या में कोई बड़ा गिरोह शामिल था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।